बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में पाइनएप्पल सिरप फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक पाव अंगूर लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। चार मैंने सेब लिए हैं, दो मैं इसको छील के यूज़ करूँगी, दो छिलके समेत हम यूज़ करेंगे। एक मैंगो लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है, 2 टेबल स्पून पाइनएप्पल टैंग है, और ये मैंने शुगर सिरप लिया है जिसको चीनी का शीरा भी कहा जाता है। 1 दर्जन मैंने केले लिए हैं, एक बाउल लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल मैंने लिया है, इसमें मैं शुगर सिरप ऐड करूँगी, साथ ही इसमें मैं पाइनएप्पल टैंग अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, सारे फ्रूट्स मैं कटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें मैंने कितनी निफासत से सारा फ्रूट कटिंग कर लिया है। अब इसमें मैं ब्लैक नमक ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी इसकी लुक डिलीशियस लग रही है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसमें मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की है, बादामों की और कोकोनट पाउडर की मैंने गार्निशिंग की है। आप भी इसे ज़रूर जब भी इसको सर्व करें, कोशिश किया करें कुछ भी सर्व करने से पहले उसको डेकोरेट ज़रूर करें। माशाल्लाह मेरी पाइनएप्पल सिरप फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है, और सब घर वालों से मैं कहूँगी कि वो बच्चों की हौसला अफजाई लाजमी किया करें। इससे ज़रा बच्चों में इनक्रेज पैदा होती है कि हम काम को करें और हमें आगे से इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।